हे गाइस, आज हम और एक डिजिटल एम्पलीफायर के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है? तो वो है क्लास TD। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो हे गाइस, तो ये सब जो आप फोटो क्लिप देख रहे हैं, तो एक एक करके सारी फ़ोटो क्लिप आपको दिख जाएगा। ये जो एम्पलीफायर है, ये है क्लास TD, ठीक है? जो क्लास D को और क्लास T को मिलाकर बनाया गया है, ठीक है? तो यहाँ पर भी आपको नॉर्मल वोल्टेज ही लगते हैं, पर वोल्टेज को बहुत ही हाई होना चाहिए, ठीक है? मतलब मान लो हमारी नॉर्मल जो क्लास AD एम्पलीफायर होता है, उसमें लग जाते हैं नॉर्मली 50-50, 60-60, 55-55, 80-80। तो ये जो हमारा क्लास TD एम्पलीफायर है, तो इनमें वोल्टेज लगते हैं क्लास H की तरह। क्लास H की तरह मतलब क्लास H में डबल हुए सप्लाई लगते हैं, तो यहाँ पर वैसा नहीं लगेगा। नॉर्मली जो हमारी होती है प्लस माइनस और ग्राउंड, तो यहाँ पर उस टाइप की वोल्टेज लगेगी, पर वोल्टेज बहुत ही हाई होना चाहिए। जैसे क्लास H के अंदर रहता है एक प्लस माइनस ग्राउंड लो वोल्टेज, और एक रहता है प्लस माइनस ग्राउंड हाई वोल्टेज। तो यहाँ पर जो हाई वोल्टेज रहता है, वो नॉर्मली रहता है 100 से ऊपर। मतलब मान लो 145 प्लस ग्राउंड, 145 माइनस। तो ये जो हमारी क्लास TD एम्पलीफायर है, इनमें भी वैसा ही वोल्टेज लगते हैं जैसे क्लास H में लगते हैं। नॉर्मल ये सब एम्पलीफायर में उतना ही वोल्टेज यूज़ किया जाता है जो 100 से ऊपर है। 100 वोल्ट के नीचे कोई भी वोल्टेज क्लास TD एम्पलीफायर में यूज़ नहीं किया जाता है। तो क्लास TD एम्पलीफायर भी हम बनाएंगे आगे जाकर, तो वो सब वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को अच्छी लगे तो शेयर भी कर दीजिए, ठीक है? तो हम कुछ PDF भी दिखाएंगे क्लास TD का, वो भी आप देख लीजिए कि वो सब PDF कैसा है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं मेरा WhatsApp नंबर दे दूंगा, ठीक है? कोई भी जानकारी के लिए WhatsApp कर सकते हैं हमें किसी भी समय, ठीक है? तो ये जो क्लास TD एम्पलीफायर होता है, ये प्रोफेशनल यूज़ होता है, और एक ये हमारी डिजिटल एम्पलीफायर होती है, ठीक है? क्लास T और क्लास D एम्पलीफायर को मिलाकर इसे बनाया गया है। तो इनमें क्लास D की दिख जाएगा आपको। क्लास D की मतलब क्लास D में जैसे यूजेबल होती है सारी कंपोनेंट्स, जिस टाइप की उसकी डिज़ाइनिंग होती है, क्लास TD के अंदर भी आपको उस टाइप की डिज़ाइन देखने को मिलेगा, ठीक है? तो ये देखिए एक क्लास TD का PDF, ठीक है? तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसकी दोनों तरफ आपको दिखने को मिल जाएगा 2SC और 2SA 5200 और 1943। यहाँ पर N चैनल MOSFET भी यूज़ किया गया है, जो N चैनल MOSFET हमारी क्लास D एम्पलीफायर के अंदर यूज़ किया जाता है। तो देखिए, N चैनल MOSFET जो हमारे यहाँ पर दिया है, वो सिर्फ ड्राइव के लिए दिया है, तो फिर इसकी ड्राइव बहुत ही अच्छी होने वाली है, ठीक है? ये क्लास D एम्पलीफायर से भी बहुत बेहतर एम्पलीफायर है। तो इसकी बनाने का वीडियो जल्द ही आएगा, तो वीडियो को देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।